नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی صبح اینڈرائڈ لرننگ پوڈکاسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے مریم اسد۔ اس پوڈکاسٹ میں ہم سیکھیں گے فون لے آؤٹ اور اس کی کچھ سیٹنگز کے بارے میں۔ فون ایپ کو اوپن کرتی ہوں۔ فون ایپ میں باٹم رائٹ سے لیفٹ کی طرف جہاں پر مینیو بار آ رہا ہوتا ہے، اس لائن میں کچھ آپشنز آ رہے ہوتے ہیں۔ Favorites, Recent, Selected, Contacts। बॉटम राइट की तरफ कॉन्टेक्ट आ रहा है, Recent। उसके बाद रिसेंट आ रहा है, Favorites। फिर फेवरेट, मोर ऑप्शंस, फिर स्टार्ट वॉइस सर्च, सर्च कॉन्टेक्ट्स एंड प्लेसेस और सर्च एडिट बॉक्स। कॉन्टेक्ट्स के ऊपर कीपैड आ रहा है, यानी के नंबर डायल करना होगा तो कीपैड पर डबल टैप करेंगे तो हमारे सामने एक डायल पैड आ जाएगा जिस पर हम नंबर डायल कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर डायल करके देख लेते हैं। डबल टैप करती हूँ कीपैड पर। Selected, pen marks. 8, 0, 0, 3, 3, 4, 9, 4, 4, 2, 8, 8, 6, 7, 6. ये मैंने नंबर कुछ डायल कर दिया। अब मुझे इस नंबर को सेव करना है तो 2 के ऊपर एडिट बॉक्स आ रहा होगा। पहले तो मैं चेक करती हूँ कि ये कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो सही लिखा है। 2 के ऊपर एडिट बॉक्स आ रहा है और ये नंबर उसने पढ़ के बताया। अब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करती हूँ। सेंड अ मैसेज, यानी कि ये जो नंबर है जिसे हमने सेव नहीं किया हुआ इस पर मैं मैसेज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगी ऑप्शन पर और फिर मैसेज लिख के सेंड कर दूंगी। एड टू अ कॉन्टेक्ट, इस पर डबल टैप करती हूँ। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करती हूँ। क्रिएट अ न्यू कॉन्टेक्ट पर डबल टैप करती हूँ। लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर रही हूँ। उसी तरह जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्ट में दिखाया, अब जो व्यू आ रहा है वो उसी तरह आ रहा है कि कैंसिल बटन, सेव बटन, उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि किस अकाउंट में सेव करना चाहते हैं। फर्स्ट नेम, सरनेम, लेकिन अब ये है कि हमें फोन के एडिट बॉक्स में नंबर नहीं लिखना पड़ेगा, हमने नंबर लिख लिया है। मोर डिटेल्स में जाएंगे तो वही कंपनी और ईमेल एड्रेस डालना होगा। तो सेव बटन आपके टॉप लेफ्ट से राइट की तरफ जब मूव करेंगे तो आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नंबर सेव हो जाएगा। अब ने ये कीपैड को देख लिया, अब आगे चलते हैं। कॉन्टेक्ट्स पे जब हमारा फोकस होगा, मतलब कि कॉन्टेक्ट्स पर डबल टैप करेंगे तो सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स शो हो जाएंगे और फिर उसमें एक एडिट बॉक्स आएगा। चाहे तो हम स्वाइप करके उस कॉन्टेक्ट की लिस्ट में से कॉन्टेक्ट ढूंढ सकते हैं या तो सर्च पे उसका नाम लिखकर या वॉइस बटन आ रहा होगा उस पर बोलकर उस कॉन्टेक्ट को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद रीसेंट है तो रीसेंट पे डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी कॉल हमने की होंगी या हमारे पास कॉल्स आई होंगी या मिस हो गई होंगी वो तमाम हिस्ट्री शो हो रही होगी। फेवरेट्स है, यहाँ पर हम वो कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करते हैं या रोजाना या ज्यादा कॉल करनी होती है तो वो नंबर हम यहाँ ऐड कर सकते हैं ताकि हमें पूरे कॉन्टेक्ट्स में से सर्च करके या स्वाइप कर करके ढूंढना ना पड़े। मोर ऑप्शंस आ रहा है, मोर ऑप्शंस में जाके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कॉल हिस्ट्री, यानी कि जो भी नंबर हमने डायल किए हैं या हमें बस कॉल्स आई हैं या मिस हो गई हैं वो तमाम हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर, यानी कि उसके हवाले से ऑप्शन है। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करती हूँ। दोबारा मोर ऑप्शंस आ रहा है। Selected all. Missed. Today.
अभी टुडे की हेडिंग से स्टार्ट हुआ है और जितने भी दिन की हिस्ट्री मेरे मोबाइल में रखी हुई है वो तमाम हिस्ट्री यहाँ पर आ रही है। अब मैं मोर ऑप्शन में जाती हूँ, क्लियर कॉल हिस्ट्री आ रहा है, इसमें मैं डबल टैप कर दूंगी तो तमाम हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ओके पे कर दूंगी तो डिलीट हो जाएगी, डिलीट हो गई। बैक करती हूँ, कॉल हिस्ट्री के बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, सेटिंग, इसमें जाती हूँ, डिस्प्ले ऑप्शन, इसमें जाती हूँ, सॉर्ट बाय फर्स्ट नेम, ये मैं आपको पहले भी कॉन्टेक्ट की सेटिंग्स में दिखा चुकी हूँ, टीम भी दिखा चुकी हूँ, बैक करती हूँ, साउंड एंड वाइब्रेशन, इसमें जाती हूँ, सबसे पहले है मीडिया वॉल्यूम, 47% मीडिया वॉल्यूम, सी कंट्रोल, कॉल वॉल्यूम, 100% कॉल वॉल्यूम, सी कंट्रोल, ब्रेक वॉल्यूम, 100% ब्रेक वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, 100% अलार्म वॉल्यूम, आल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स, ऑफ स्विच, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑफ, शॉर्टकट टू प्रिवेंट रिंगिंग, ऑन, वाइब्रेट, कॉल रिंगटोन, SIM1, डू इनवर्ड ब्यूटीफुल वॉइस चेक, कॉल रिंगटोन, SIM2, डू इनवर्ड ब्यूटीफुल वॉइस चेक, दिस एरिया ऑब्वियसली इंग्लिश ऑन द सबटाइटल्स। क्योंकि इस मोबाइल में दो सिम्स लगी हुई हैं, इसलिए सिम 1 सिम 2 अलग अलग शो कर रहा है, हम इनकी सेटिंग्स अलग अलग जाकर कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग से इसमें जाती हूँ, अब यहाँ पर एडवांस में ये ऑप्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन ट्यून, यानी के जब चार्जिंग पे लगता है तो ट्यून बजती है वो आए, स्क्रीन लॉक होने पर जो साउंड आती है वो भी आए, और डायल पैड जब हम नंबर डायल कर रहे होते हैं तब जो ट्यून आती है वो भी हमें सुनाई दे, कीबोर्ड पर जो वाइब्रेशन होती है वो भी हो, ये भी ऑन है, ऑफ कर सकते हैं इन तमाम ऑप्शन को डबल क्लिक से। बैक करती हूँ, क्विक रिस्पॉन्सेज, इस पे क्लिक करती हूँ, Can't talk now. What's up? I will call you right back. I will call you later. Can't talk now. Call me later. ये तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अंदर हम कोई भी सेट कर सकते हैं डबल क्लिक से। ये वो ऑप्शंस हैं, हमने देखे होंगे जब भी कॉल किसी को की जाती है और आगे से नंबर बिजी जा रहा हो, ना उठाया जाए या कॉल काट दी जाए, हमारे पास एक मैसेज आता है जो यहाँ से सेट किया जाता है। मैं करती हूँ, ब्लॉक नंबर का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है जो मैं बता चुकी हूँ, इसमें यही तमाम ऑप्शन थे जो ज्यादा अहम थे समझना। बैक करती हूँ, एक और चीज के जो रीसेंट है, यानी कि ये ऑप्शन पुराने एंड्रॉइड के वर्जन्स में इसे लॉक कहा जाता था और अब ये रीसेंट के नाम से आ रहा है। इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब आपसे मुलाकात होगी फिर किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया, अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।